नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विपिन विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विपिन विश्वकर्मा स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मगध राज्य के उत्कर्ष का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम शिशुनाग वंश और नंद वंश के जो इम्पॉर्टेंट फार्मूले क्वेश्चन हैं उन्हें हम अटेम्प्ट किए हैं, और जिसमें हम आपको जो सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश क्या है? शिशुनाग वंश के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, हमने सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, और आप लोग ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहला पॉइंट है कि नाग दस के अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्त करके गद्दी पर बैठा और शिशुनाग वंश की स्थापना की। अपने हमने आपको पढ़े थे पहले हर्यक वंश में कि हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था कौन था? नागदस्त था। नागदस्त ने नागदस्त के अमात्य जो हैं वो शिशुनाग ने 412 ईस्वी में अपदस्त करके गद्दी पर बैठा और शिशुनाग वंश की स्थापना की। इन्होंने शिशुनाग वंश की जो राजधानी को उन्होंने पाटलिपुत्र से जो मगध राज की राजधानी पाटलिपुत्र थी उसको हटाकर उन्होंने क्या बनाया? वैशाली बनाया। शिशुनाग वंश का जो उन्होंने जो राजधानी उन्होंने बदली उन्हें पाटलिपुत्र से क्या कर दिया? वैशाली कर दिया। फिर दूसरा है कि शिशुनाग का उत्तराधिकारी काल अशोक हुआ, जिसने राजधानी पुनः पाटलिपुत्र में स्थापित किया। जो शिशुनाग वंश का जो पुत्र था उत्तराधिकारी था वो काला अशोक हुआ, जिसने जब वो गद्दी पर बैठा काला अशोक तो पाटलिपुत्र को फिर उसने क्या किया? राजधानी बना दिया। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो इसमें ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थे तो हमने सिर्फ कुछ पॉइंटों को ही लिया है। तो जो इम्पोर्टेंट है कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था नंदीवर्धन था। ठीक, इसमें ऐसे पूछ लिया जाता है कि शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था या फिर शिशुनाग वंश की नींव किसने रखी? तो नागदस्त ने रखी। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंदीवर्धन था। ठीक, अब हम आते हैं नंदवंश दोस्तों इम्पोर्टेंट है इसमें से, तो चलिए हम देखते हैं नंदवंश की स्थापना किसने की। तो नंदवंश की जो स्थापना की महापदम नंद ने की थी। जो नंदवंश की स्थापना की थी किसने की थी? महापदम नंद ने की थी। नंदवंश का जो अंतिम शासक था वो क्या था? घनानंद था। नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था, जो सिकंदर के समकालीन था, जो सिकंदर के ही समकालीन था। घनानंद के को चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा कर क्या किया? मौर्य वंश की स्थापना की। अभी हम मौर्य वंश में आपको पढ़ाएंगे अच्छे से कि चंद्रगुप्त कौन थे और इनके बारे में अच्छे से मौर्य वंश में है। इसके बाद जो वीडियो बनेगा वो मौर्य वंश पर बनेगा। तो घनानंद को इसे थोड़ा सा देख लीजिए कि घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा कर क्या किया? मौर्य वंश की स्थापना की। अब हम आते हैं जो इम्पोर्टेंट है सिकंदर। दोस्तों सिकंदर है इम्पोर्टेंट, सिकंदर से एक नए क्वेश्चन जरूर मिल जाते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं सिकंदर का जो जन्म हुआ था वो 356 ईसा पूर्व में हुआ था और इनके पिता कौन थे? फिलिप थे। 359 ईसा पूर्व में फिलिप मकदूनिया के शासक बने। इनकी हत्या 329 ईसा पूर्व में ही कर दी गई। कहने का मतलब जो फिलिप थे वो क्या बने? 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया के क्या बने? शासक बने और इनकी हत्या कर दी गई थी 329 ईसा पूर्व में। अब नेक्स्ट है कि सिकंदर किसका शिष्य था, ये पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि सिकंदर किसका पुत्र था, सॉरी शिष्य था। तो सिकंदर जो था वो अरस्तु का शिष्य था। ठीक, अरस्तु उनके गुरु थे। और नेक्स्ट है कि सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। उन्होंने जब भारत की ओर उन्होंने अपनी सेना को बढ़ाया तो उसने एक विजय रथ की यात्रा की, विजय यात्रा का नाम दिया, जिसे उन्होंने क्या कहा कि सिकंदर जिन्होंने उन्हें विजय अभियान का वो क्या किया? आरंभ किया भारत के खिलाफ। तो भारत सिकंदर ने भारत विजय का अंतिम विजय अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। अब आते हैं कि इंपॉर्टेंट है कि सिकंदर का सेनापति कौन था। सेना का पति से भी इंपॉर्टेंट आता है कि सिकंदर का सेनापति कौन था। तो सिकंदर का सेनापति जो था सेल्यूकस निकेटर था। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है कि सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना, जब सिकंदर भारत आने लगा तो उसकी सबसे पहले जो उसकी सेना का सामना हुआ वो किससे हुआ? पंजाब के शासक पोरस से हुआ। उसके बाद नेक्स्ट है कि जिसे हाई स्पीड का युद्ध या झेलम विस्तता का युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए हाई
हाइडेस्पीड का युद्ध या झेलम बिस्तता का युद्ध क्या हुआ? ये जो युद्ध था जो सिकंदर और पोरस के बीच में लड़ा गया था वो झेलम नदी के किनारे हुआ था, ठीक, जिसे हम मतलब पहले उसे बिस्तता के नाम से जानते थे उस नदी को, जो अब झेलम के नाम से हुआ मतलब नाम से जानते हैं। तो जो युद्ध हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच में वो कहाँ हुआ था? झेलम नदी के तट पर हुआ था, जिसे हम बिस्तता का युद्ध के नाम से जानते हैं। इसे पूछा जाता है कि सिकंदर और पोरस के बीच में जो युद्ध हुआ था वो किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन दे देंगे, तो हाइड स्पीड भी हो सकता है उसमें अगर ऑप्शन में होगा तो हाइड स्पीड, अगर हाइड स्पीड नहीं है ऑप्शन में तो बिस्तता का युद्ध का नाम दे देंगे। तो बिस्तता के युद्ध के नाम से जाने जाता है और हाइड स्पीड के युद्ध से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, इनकी सेना जो सिकंदर की सेना थी वो ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर पार करने से इनकार कर दिया। जो जब ये जब लौटने लगे भारत से तो इन्होंने क्या किया, जब लौटने लगे तो ये ब्यास, जब इनकी सेना ब्यास नदी पर पहुंची तो ये क्या हुआ कि इनकी जो सेना थी उसने क्या किया, ब्यास नदी की पश्चिमी तट पर पहुंचकर क्या किया, उससे पार करने से इनकार कर दिया। उसके बाद सिकंदर जो है फिर उससे ब्यास नदी से नहीं लौट पाया। फिर सिकंदर 325 ईसा पूर्व में स्थल मार्ग से भारत से लौटा, तो वह स्थल मार्ग के द्वारा ही भारत से लौटा। उसके बाद नेक्स्ट है कि 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। ये पूछा जाता है कि सिकंदर की मृत्यु कब हुई और कहाँ हुई, ये इंपॉर्टेंट चीज फैक्ट है कि सिकंदर की जो मृत्यु हुई वो 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हो गई थी, ठीक, बेबीलोन में हो गई थी। अब नेक्स्ट है कि जो सिकंदर का जल सेनापति था, जो सिकंदर का जल सेनापति था वो कौन था? तो वो नेर्याकस थे, ठीक। ये पूछा जाता है कि सिकंदर का जल सेनापति कौन था? नेर्याकस था। और नेक्स्ट है कि इन्होंने झेलम नदी के तट पर अपने प्रिय घोड़े के नाम पर बोकेफला नामक नगर बसाया, ठीक। तो इनकी एक घोड़ा था जिसकी उसी नदी के किनारे उनकी मृत्यु हो गई थी, उन्हीं की याद में इन्होंने क्या किया, बोकेफला नामक नगर का बसाया। उनके घोड़े का जो नाम था वो बोकेफला था, उन्हीं के नाम पर उन्होंने बोकेफला नामक नगर को बसाया। दोस्तों नंद वंश और शिशुनाग वंश में जितने इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट फार्मूले थे, सॉरी क्वेश्चन थे, हमने सभी क्वेश्चनों को अटेम्प्ट किया है जो सभी कंप्यूटर कंपटीशन एग्जामों में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप सब्सक्राइब कर दिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।